हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे चीज़ आलू टिक्की बर्गर। प्लेट बनाने के लिए आपको लगेगा कि कुछ आलू, बॉइल्ड पोटैटोस, अनियन, टोमेटो, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, स्पाइसेस के लिए हरा मटर और चीज़, और आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में है नमक, हल्दी, मिर्ची, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिरी। चीज़ को ऐसे चार पीसेस कर लीजिए। ऐसे आलू की टिक्की बना के उसके ऊपर एक क्यूब चीज़ रखे, फिर वैसे ही एक और एक टिक्की लगा के उसके ऊपर कोट कर देना, फॉर्म कर देना, फिर ऐसा टिक्की बन जाएगा। इसको मैंने इसे ब्रेड क्रम्स में कोट किया है। आप चाहें तो स्लरी भी बना सकते हो, मैदे की, इसमें नमक और काली मिरी और मिर्ची डाल सकते हो। और ये रेडी हो गए मेरे बर्गर की टिक्कियाँ। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और ये है बर्गर टिप, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अब ये बर्गर बन को हाफ कट करके तवे पे सेक लीजिए और फिर इसमें डिप लगा के और ये टिक्की रख के आप चाहे तो चीज़ भी रख सकते हो, टोमेटोज भी रख सकते हो, जो आपको पसंद है वो रखिए। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। बाइट लेने के बाद ये चीज़ बीच में आता है, बहुत ही यम्मी लगता है।